जब सब नंबर्स का कुछ कुछ इफेक्ट है तो वाई थ्री नंबर इज बेड नंबर एंड सेवन इज वेरी लकी नंबर. ओके तो आपके पास आपको याद है आई ट्रस्ट आपकी एज 25-30 प्लस तो होती तो और तो पहले टीवी आता था जब वो सेट टॉप बॉक्स था उसमें 8 चैनल 16 चैनल 20-30 चैनल ऐसे आते थे चैनल. तो आप लोग सब टेक्निकल फील्ड से तो चैनल कौन सा नंबर है ये मैटर नहीं करता. आप किसी भी चैनल पे कोई भी प्रोग्राम लगा सकते थे कोई भी फ्रिक्वेंसी जैसे कि आपने जी टीवी लगा दिया आपने सुनी टीवी लगा दिया स्टार स्पोर्ट्स लगा दिया ऐसे किसी भी चैनल पे लगा सकते थे. तो चैनल तो सिर्फ एक तरीका था कि भाई एक नंबर पे है दो नंबर पे तीन नंबर पे के ठीक है. तो ऐसे ही नंबर्स का एक स्वभाव है ये नेचुरल एक फ्रीक्वेंसी है वो एक ऑप्टिक पोटेंशियल है. अब वो पोटेंशियल आपकी लाइफ में क्या काम कर वो इनसाइट तो है वो इंट्यूशन तो है लेकिन वो इंट्यूशन हैकिंग या फ्यूजन है क्या. आपको इंट्यूशन ये आती है उलट फेर कर रही मार्क जगह पर आपको हैकिंग इंट्यूशन आती वो हैकर बनने लेकिन काम अच्छा क्या हुआ किसी कारण से फिर वो हैकिंग को उन्होंने बिजनेस बना लिया तो फिर उनका फेसबुक बन. जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि 3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर. All the numbers are strong numbers. समझिए इस बात को. पट्टी पढ़ानी हो मार्केटिंग कर दिया तो कुछ भी बात है. समझिए इस बात को. 8-9 चैनल वाली टीवी आदर सब 9 किलो बराबर इस पे कहां लाइन करे वो बात है. अगर हम पावर की बात करें तो 4 and 7 आर द मोस्ट पावरफुल. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है. देखिए कोई भी नंबर आपके अच्छा है कि बुरा है अच्छा है कि बुरा है ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिटेल्ड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एनालिसिस ही बता सकता है और कोई मैकेनिज्म या फिर जो मैंने टेक्निक बोली अपने इवेंट्स नोट कीजिए अच्छे इवेंट कब हुए खराब इवेंट कब हुए वो आपको बताएंगे. लेकिन नंबर 3 फायदा भी दे सकता है नंबर 3 नुकसान भी है नंबर 7 फायदा भी दे सकता है नंबर 7 नुकसान. तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 3 सबके लिए लकी होगा 7 सबके लिए लकी होगा या 3 सबके लिए अनलकी होगा 4 सबके लिए अनलकी होगा. ऐसा हर किस कोई मैकेनिज्म कोई क्राइटेरिया कोई प्रिंसिपल नहीं. नेचर कभी भी किसी को पैसे का देयर आर एब्सोल्युटली नो थंब रूल्स इन द नेचर. आप प्रकृति में एक थंब रूल बताइए सिवाय इसके कि सूर्य ईस्ट से उठे और वेस्ट में रहे. तो कुछ चीजें बहुत ग्रेजुअल है बहुत स्लो है लेकिन स्टिल देयर. मेरे फिजिक्स प्रोफेसर ने मेरे से क्वेश्चन किया था थोड़ी में कि एक अंगीठी जली है और क्या उसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ेगा कि मैंने तो नहीं फिर गलत बढ़े. जब आईटी के रही करते तो क्वेश्चन आया था कि आपने एकदम सडनली क्लच छोड़ दिया ओ क्या बिना एक्सीलेटर दिया आप एक्सीलेट कर सकते हैं क्या मोटरसाइकिल को बाइक को उसको उस टाइम छूटा जा सकते आप बिना एक्सीलरेशन दिए क्या आप एक्सीलरेट कर सकते हैं उसको. The answer was yes, we can do. If it's just the deep the clutch, give me the instantly. अगर आप clutch को instantly छोड़ सो दे रहे थे, momentary acceleration को रखना. मेरे को answer याद. ठीक है? तो हम rules में चलेंगे तो फंसेंगे. Problem क्या है? वास्तु में, astrology में, सत्यना पे, marketing के लिए thumb rules हैं. Rose ये टीका लगाई बाबा जी और देवी आती है टीवी पे. पढ़ाई है, student रही है तो जान तो ये करो वो करो पर ये thumb rules even आप हमारी भी हर साल annual prediction नहीं करती है. हर साल प्रेडिक्शन देते हैं. सरप्राइजिंगली ईयर 2020 में मैंने प्रेडिक्शन नहीं निकाला. एक महीने से ज्यादा लग गया और मुझे बार बार एडमिशन होती रही कि अब मैं निकालूं क्या. झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे किसी का भी ठीक नहीं देगा. इस साल मुझे खराब लग रहा है. मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता था क्या होगा खराब लेकिन मुझे अंदर से आवाज आती है कुछ ठीक नहीं और मैं झूठ नहीं बोल सकता. मैंने प्रेडिक्शन नहीं निकाली. हमारे चैनल पे सारे साल की प्रेडिक्शन है 2020 की नहीं और सब कोरोना आ गया सर साथ. तो ये इंडिकेशंस मिलती हैं अगर आप हैं लॉजिक्स काम करते हैं लेकिन उसके बाद सब कॉन्शियस काम करता है इंट्यूशन का. तो कोई भी नंबर आपके और उसको में कैसा है एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस में कैसा है वो इफेक्ट है. नंबर जैसे कि एक कॉमन बात है नंबर 5 जैसे बच्चों की स्टडीज इंप्रूव करने के लिए कहते हैं नंबर 5 यूज कीजिए नंबर 3 यूज कीजिए. लेकिन प्रैक्टिकली जरूरी है कि नंबर 5 ही आपको स्टडीज देगा. नंबर 8 भी आपको स्टडीज दे सकता है. नंबर 8 स्टडीज देगा आर्किटेक्चर भी देगा आयुर्वेद पढ़ा सकता है आपको स्टैट्स पढ़ा देगा अकाउंट्स पढ़ाएगा चार्टेड अकाउंट जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं सारे के सारे नंबर 8 के हैं. ऑल स्पोर्ट्समैन जो भी शरीर से भागदौड़ का काम करते हैं चाहे फुटबॉल खेलते हैं चाहे हॉकी खेलते हैं ऑल आर रिलेटेड टू नंबर 8 उसकी बिना खेल के सब सिस्टम मिलेंगे यहाँ पर थक जाओ. सो दीज आर नेचुरल एटीट्यूड्स. अगर आपके लिए वो सपोर्टिंग है तो आपके लिए लकी नंबर हो गया तो आप उस प्रोफेशन में जाएंगे तो आपके लिए काम है. हम लोग ये करते हैं चेक करते हैं कौन से नंबर लकी है उसके हिसाब से कहते हैं ये काम कीजिए ये कलर पहनी है इस दिन ये खाइए और ये मत है व्हाटएवर जैसे जो रिक्वायरमेंट्स वांट.